हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन वो ठीक करने के डिस्कशन से पहले ये ज़रूर हमें पता लगना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अदनान फारूक, और अगर मेरी इस सीरीज़ में अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दोज वीडियोज़ ताकि आपको पूरी ट्रेल की समझ में आए। पहला बेनिफिट तो मेटाबॉलिज्म ठीक करने का ये है कि आपका वेट लॉस का जो सिलसिला है वो परमानेंट हो जाता है। आपको दोबारा दोबारा उस तरह के एफर्ट नहीं करना पड़ता कि जिसमें वेट आपका वापस आए, फिर आप अटेम्प्ट करें, फिर वो लूज़ हो जाए। परमानेंट वेट लॉस होता है। दूसरी बात, आपको इस प्रोसेस के अंदर, वेट लॉस के प्रोसेस के अंदर, ना तो इतनी अजियतनाक डाइटिंग करनी पड़ती है और ना ही मैं कहता होता हूँ गोडे तोड़ एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि जिसमें लोग जिम्स में जा के घंटों घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने गिट्टे गोडों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी बॉडी थक रही है, बॉडी टूट रही है, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ट्रेनर ने, डाइटिशन ने बताया कि रोज़ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ट्रेनर ने, डाइटिशन ने बताया कि चिड़िया जितना छोटा छोटा खाना पड़ेगा। ये सारी वो अजियतनाक चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती जब आप अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं और उसको ठीक करने की तमाम कोशिशें करते हैं। फिर उसका एक और मज़ेदार बेनिफिट ये है कि आपको ट्रूली सेंस में एक लाइफस्टाइल समझ में आ जाता है। कौन सा वाला लाइफस्टाइल के जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक लाइफस्टाइल वो है जो आपको बताया गया जो कभी लाइफस्टाइल नहीं बन सकता, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में किया, लेकिन ये वाला वो लाइफस्टाइल है जो मैं अपने प्रोग्राम में भी जो आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसमें दुनिया की बाकी सारी ज़िंदगी और मामलात भी चल रहे हों और जो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है और लाइफस्टाइल है उसके सिलसिला भी चल रहा हो। तो ये वो तरीका है जिसके अंदर हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, द साइंस ऑफ वेट लॉस हैज़ चेंज्ड सो मच, इट हैज़ बिकम वेरी साइंटिफिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक 1980s की वो इन्फॉर्मेशन लेके चली जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें सिर्फ यही पता है और यही बताया गया है कि वेट लूज़ करना है तो डाइटिंग की शिद्दत करो और एक्सरसाइज की इंतहा करो, और ये तरीक़ेकार इफ़ेक्टिव नहीं है। और अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हम मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक करेंगे। ये जो प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ये सारा सिलसिला कैसे मुरतब किया गया और आपको कैसे गाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।